Assalamualaikum everyone, welcome back to Sanaya the official. यहाँ बन रहे गर्मा गर्म टोस्ट विद टी विद खारी और ये लग चुकी है जी हमारी ट्रे. तो चलो चलते हैं और नाश्ता करते हैं. यस दादा, और इस मानो मैंने भी घी लगा देना जरा दादा, पर सोचा तुमने मुझे बिल्कुल ही सूखे रूखे दे दिए थे. मैंने कौन सी सजा दी थी मुझे तुमने, बढ़िया ही. सो यहाँ का मस्त कैसे लगाओ. Assalamualaikum everyone, welcome back to Sanaya Mada official. This is me Sanaya Mada और आपका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में. सो सुबह की मॉर्निंग खूबसूरत पीपल्स के साथ हो गई है, मेरे मेल्स के साथ. येस आई एम इन माई माइका, पीछे आप बैकड्रॉप देख सकते हो. सो गाइज आप लोग कैसे हैं, और पिछले ब्लॉग्स जो हैं आप लोग इतना प्यार दे रहे हो पर कॉमेंट्स बहुत कम हो गए, तो प्लीज़ कॉमेंट्स करके मुझे बताया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले. आपके लाइक्स एंड कॉमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इट्स कम्प्लीटली फ्री. और मेरे जो व्लॉग्स हैं उस पर लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर किया करें ताकि मुझे यू नो और भी लोग देख सकें. और अभी जो है आपको नाश्ता दिखाया, बन चुका है, बस चलते हैं फटाफट से नाश्ता करते हैं. बट अगर इससे पहले आपने नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब, जल्दी से कर दे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. नाश्ता बन चुका है और आज मेरी मानो ने ना ब्रेड स्लाइस बहुत अच्छे से उसको टोस्ट किया है, क्रिस्पी क्रिस्पी जस्ट लाइक अ टोस्टर. तो चलो चलते हैं और नाश्ता करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन की. लेट्स सी आज मैं इस व्लॉग में आपको क्या क्या दिखाती हूँ, जो जो मेरे साथ होगा वो दिखाऊंगी. तो स्टे ट्यून्ड रहना है एंड ब्लॉग को पूरा एंड तक वॉच करना है. बाहर चल रहे हैं और मेरे स्लाइसेस इस लड़की ने किचन में ही छोड़ दिए हैं, तो मैं खुद ही लेके जा रही हूँ. मानो ट्रे दे दो, फालतू में दूसरा प्लेट गंदा होगा. ओए होए, चल गाइस निकालते हैं. ये रहा जी क्रिस्पी क्रिस्पी, मेरी मानो ने आज खूब क्रिस्पी वाले जो ब्रेड है ना वो टोस्ट किए हैं देसी घी से माशाल्लाह. सब चलते हैं और लेते हैं चाय का लुफ्त. आज मैंने ना मानो से बोला था कि प्लीज़ मेरे लिए तुम जो मिल्क है वो भी बना के रखना. वो कहाँ रखा है भाई? सो डाइनिंग पर पड़ा हुआ है. कितने हैं चांदनी? दिस वन. सो ये है जी हमारा मिल्क, मतलब कस्टर्ड मिल्क. लेट्स गो एंड हैव दिस. सो ये रही. ओए हो इतनी चाय, ये लड़की ने देखो कितनी चाय बनाई है. नहीं बोला यार, नहीं बेटा मैं नहीं बोल सकती इतना चाय. नाश्ता करो, कल से नाश्ता ही मत करो, बैठो मैं रोगा नहीं, छोटा वाला नहीं, बड़ी नहीं तो बनाया ना, उतनी चाय बनाया. हाँ बस दैट इज इनफ फॉर मी, बस. यस सीरियसली. सो गाइस यहाँ नाश्ता रेडी हो चुका है, चलो जल्दी करते हैं. जाओ ब्रादर चाय पी लो, चाय रेडी है बाहर आपके लिए, जाइए. मुझे तो यही लगता है डंकी जा. सुमैया स्पीकर क्लोज. Your trick is माशाल्लाह. इनका जब फेस देखा ना, इतना गंदा फेस बनाया है इन्होंने कसम से. अच्छा इसलिए तुमने बोला, मैं समझी इसका स्पीकर भी क्लोज हो गया. कोई बात नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरा फेस अच्छा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह है ना दोस्तों. ऐसा ऐसे किया था, बस बड़े सुकून से होना चाहिए, मजा आ जाता. हम तो सुकून से ही करते हैं, यही इतराना है कुछ ज्यादा दूध के. उस दिन जो रात का माहौल क्रिएट हुआ था राज मूवी देखकर, That was so horrible. तुम्हारे पास भी तो आ गया, बैठ गई थी भूत. नहीं भैया, नहीं बाल खोल के आसपास के सारे जिन अलर्ट हो गए. तुम्हें भी तो इसमें होता है ना ये कुछ कि जैसे हम लोग मूवी देख रहे हैं हॉरर मूवी, तो उसमें अस करके माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास भी. एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा ट्रॉमेटाइज होता है माइंड कि यू कांट गो एनीवेयर विदाउट एनीबडी. हो जाती है अलर्ट, वो हावी होने की कोशिश करती है. उस वक्त आपका दिल बिल्कुल कमजोर होता है, उस वक्त हावी होती है, उसी वक्त हावी होती है. हम लोगों ने क्यों छोड़ दी थी उस दिन बीच में, यही रीजन था क्योंकि हम लोगों को इतना अजीब सा फील आ रहा था. सीरियसली इसमें रॉन्ग टर्न तो इट्स लाइक अल्लाह, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के ऊपर बैठा हुआ है क्योंकि मोस्टली जंगल में शूट हुई. इसको जिस तरीके से उन्होंने आज तक याद है रॉन्ग टर्न के. और वो वाला बंदा जिसके वाइट बाल थे ना, वो तो मुझे हमेशा याद है.
और एक जो लंबा चौड़ा सा था वो भी याद रहता है, सब याद रहता है, व्हाइट बाल वाला। हाँ व्हाइट बाल वाला कोई नहीं भूल पाता, वो बहुत खतरनाक था बंदा। और एक मुझे वो याद रहता है, रॉन्गटन 3 या 4 मूवी थी उसमें वो, नहीं बेटा वो नहीं, जिसमें एक बंदे को ले जाके लिटा के उससे कहता है किल मी मतलब मार दो, लेकिन ऐसे उसका कभी पसलिए खा रहा, कभी कुछ खा रहा, कभी कोई बॉडी पार्ट कर रहा, लेकिन मार नहीं रहा था। तो वो ये बात बोला कि यार मार दो यार, एक साथ ऐसे तो जान मत लो। तड़पा तड़पा के खा रहा था उसका बॉडी पार्ट। और उनके दोनों की गर्दन एकदम, हाँ, और बार बार की बार सर नहीं, शायद बॉडी लेके गए थे, गाड़ी चलती भी खुद आगे जाके पट गई थी, पर सर पर पट के पट गई। ये इन मूवीज का ना दिमाग पे वो रहता है, मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत जगह देखे भी गए ना कि हम इंसानों को मार के उनका भेजा खा रहा होगा, चलता कि भेजा खा देते तेज हो जाएंगे। यहाँ का ही था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में भी ऐसे हैवान लोग कैसे कर लेते हैं यार। उसने बनाई है इस तरीके जो हीरो नहीं है, रियल बेस्ड स्टोरीज है। गाइस हॉरर मूवीज के जो एक्सपीरियंसेस हमने उस दिन फेस किए हैं ना, दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेबल फॉर अस, है ना सुमैया। रात के 3 बजे टॉयलेट तक नहीं जा पा रहे थे हम लोग, और सब ने अपने अपने इंसिडेंट शेयर किए, और वो इंसिडेंट्स बड़े ही खतरनाक थे। बस इसको ये चालू हो गया, इसको ना बर्दाश्त नहीं होता है, आप ही क्यों ऐसे बात कर रही है, आप परेशान करो इसे। देख रहा था, डोंट डू दिस, आई एम व्लॉगिंग हियर, डोंट डू दिस, आई एम टेलिंग यू। कमीना है, पिटपिटा जाएगा, मैं उड़ गई ना तो फिर ही भागेगा यहाँ से। और बस कैमरा इधर से इधर करने की ज़रूरत है, ऐसी भाग लगाएगा ऐसी दौड़ जैसे इसने भूत देख लिया हो भाई। भूत भूत देख कर भागा दिन के उजाले में, यही टाइटल होने वाला है आज। लेकिन सोया मैंने रात सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर प्रैंक करूं, इसने मुझे आइडिया दिया है कल रात कि आप ही ऐसा ना हो किसी दिन, खुद ब खुद आप ही ऐसा ना हो किसी दिन, आप प्रैंक करने आ जाओ और हॉरर प्रैंक करो, फिर सोचो ना फोन तो टूट ही जाएगा। मैं यार फिर रात को मैंने सोचा, नहीं सुबह मैंने रात को सोचा इसने मेरे को आइडिया दिया है क्या, मुझे ऐसा फील आया। तोहित को सुमैया, तोहित को पूरा 90 बना के खड़ा कर दूंगी, वाइट मुंह पे आटा लगा दूंगी और आईलाइनर से आके बुला दूंगी इसके सामने, रात को 3 बजे खड़ा कर दूंगी। फिर क्या होगा, ऐसे करेगा तोहित के 4-5 तोहित की मम्मा कहेगी बच्चे को क्यों मारा तुमने। सो गाइस अगर आपके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ है हॉरर मूवी देखने के बाद तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। हम लोग तो थोड़ा सा अभी 2 दिन पुरानी या 3-4 दिन पुरानी बात है, हम लोग राज मूवी देख रहे थे रात में, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था हमारे लिए। हमने वहाँ तक देखी जब वो बिपाशा बासु जो है भूत को बुलाती है अपने पास और वो आ जाती है और वो कहती है ये मैं हूँ, बहुत खतरनाक था वो एक्सपीरियंस। मैं तो मम्मी डैडी के पास भागी थी और जब ऊपर आकर देखा सब इधर उधर, उस दिन लिटरली हम अपने बेडरूम में सोए और मैं अकेले नहीं सोए, उस दिन हम सब मास्टर बेडरूम में सोए सारी सिस्टर्स, क्योंकि हम लोगों को डर लग रहा था और अभी तक हम लोग हिम्मत नहीं कर पाए इस बेडरूम में आके सोने की, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ सोया अभी तक हम मास्टर बेडरूम में ही सो रहे हैं सारी सिस्टर्स एक साथ, वरना हम सब अलग अलग सोते हैं अपने बेडरूम में, बट अभी तक हिम्मत नहीं हो पा रही है। खैर देखनी चाहिए, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ नहीं इन सारी चीज़ों में, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्या कहती थी अभी जो नई रिलीज हुई है शैतान मूवी, तूने देखा किससे? अच्छा बंदा, वो बंदा जरा जरा वाला में है, तेरे मूवी में वो बंदी नया शैतान में जो देखने भी है। तो क्या था एक्सपीरियंस? वो ही सिर्फ ब्लैक मैजिक वही जैसा लग भी करे तो ब्लैक मैजिक है ना, तो लास्ट का जो चीज है ना आईमैक्स जो दिखाया फिनोमिनल दिखाया, वो देख के भी तुम यार ये जो भी चीज़ें हैं ना ब्लैक मैजिक जादू टोना भूत कात्मा मेरे व्लॉग में ये बातें मैं नहीं कर सकती। लेकिन गाइज प्लीज़ अपना ख्याल रखो, 5 वक्त के नमाजी रहो,
वजू से रहो, इंशाल्लाह कोई चीज़ आपको छू भी नहीं सकती है। और बस अल्लाह का जिक्र करते रहो, और मुँह को पाक रखो, आँखों को पाक रखो, गंदी मूवीज़ मत देखो। मैं बता रही हूँ, तारिक मसूद साहब ने खुद अपना बयान दिया है यूट्यूब पर, मैंने सुना है कि जो लोग रातों में गंदी मूवीज़ देखते हैं ना, वो सोचते हैं कि वाह वाह बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे आस पास जो हैवानियत हो रही होती है ना, अगर आपने अपनी आँखों से देख लिया आप पागल हो जाओगे। इसलिए अपने आप को हमेशा साफ और पाक रखो, रात को वजू से लेटो ताकि हर वक्त फरिश्ते आपके आस पास रहें, और अल्लाह का जिक्र करते रहो, अस्तगफिरुल्लाह करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहो, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगते रहो, और बस हर वक्त बावजू रहो, पाँचों वक्त की नमाजी रहो। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा इस्लाम तो ये कहता है जो वजू से रहता है उसके आसपास कुछ नहीं आ सकता, तो इसीलिए पांचों वक्त की नमाजी, और पांच वक्त की नमाजी अव्वल टाइम से पढ़ो। बस मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइस। ब्लॉग अभी कंटिन्यू है, देखिए आगे वाला पोर्शन मुझे इतना खूबसूरत लगता है ना, मैं क्या बताऊँ। आज सुबह मैं ब्लॉग करने आई तो ये ऊपर वाली ना लॉक लगा हुआ है तो खुल नहीं पाया। ये बहुत खूबसूरत सा मेरा हैप्पी प्लेस, वैसे भी मैं अभी अपने हैप्पी प्लेस आई हुई हूँ, मतलब अपने मायके। बड़ा खूबसूरत सा मंजर रहता है यहाँ पर माशाल्लाह। ओए छोटी बेबी इधर आ जा, तो कुछ अपनी तोतली जुबान से कुछ बोल दे, ऐसे बोलता है ना ये। मैं फिर सास क्या करती हैं, सास तो नीचे बैठी होती हैं, जब मैं ऊपर जाता हूँ तो सास ऊपर भी आ जाती है। उस दिन बता रहा हूँ मुझे सही सुध लौंडे को खाऊंगा मैं, लौंडा देखो संभाल के। तो गाइस अगर धोखा से भी लिया होगा ना मोटी, बेटा मैं अपने ब्लॉग में गंदी चीजें नहीं लेती हूँ, अच्छी और पाक चीजें लेती हूँ। तो मैं पाक हूँ इसलिए तो लेती हूँ खुद को। ओ अब क्यों इरिटेट हो रहा है, नाखून क्यों गुजार रहा है, आगे नहीं मेरी YouTube फैमिली से ठीक कर देगी बिल्कुल। पता है मेरी YouTube फैमिली नीचे कमेंट के कर आप ही आप हमें इतनी इज्जत देती हैं, और रजा का मुंह, मेरा का मुंह मैं तो हाल दिया था वो बाल बाल के बहुत। क्या हो रहा गाइस, ये देखो उसका यही पजीता होता है, पजीता बाजी। ये देखो अरे बेटे बेटे उसके छोटा लग जाए, कुरान भी रखा है रजू रजू बस रजू बस रजू उसकी कोनियां टूट जाएंगी। तो ही तुझे डर नहीं लग रहा, बता हंस रहा है बोला, तुझे डर नहीं लग रहा? अरे बता ना कितना मस्करा है यार ये लड़का, ये इसीलिए करवा रहा है, कितना चंटू है बेटा मत कर, वो छोटा पतला दुबला ऐसी पतली पतली कलाई और उसकी टांगे पता चला उसके कुछ हो गया तो, और बस यार मोहब्बत। सब लोग चैनल को अभी बना लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अब आवाज निकाल ले। चल बाय बाय कर दे सबको, बाय। या कुरान अभी पढ़ेंगे हम भी नमाज और कुरान, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सुमैया तुम्हें पता है उसकी स्टोरी, भाई बंदे ने इतनी छोटी सी उसमें शुरू किया था, एक छोटा सा स्टॉल ले। अरे वो पता है जो जिसकी वजह से मोबाइल चैनल पर फेमस हुआ वो अम्मार का सारा मामू। अरे यहाँ पर यस, वो यहाँ मुरादाबाद का बंदा है, क्या नाम है रजूस का नाम, वो है फरहत अबू कितना हट, वो पता है अहमद के फ्रेंड है फैसल, उसका मामू है। ये वाली वीडियो बहुत फनी, मेरा मेरा नाम है, मेरी अम्मी का बर्थडे, मेरी अम्मी का बर्थडे। तो गाइज आई होप आपको हमारा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया हो, पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। गाइज एक्चुअली व्लॉग में यहाँ इसलिए एंड कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर मुझे थोड़ा सा एडिट में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं जो इंशाल्लाह आगे का व्लॉग सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा पार्ट वन पार्ट टू करने से अच्छा है कि व्लॉग को इंट्रो आउट्रो कर दो और उसके बाद आप लोगों को मज़ा कराऊँ। अब यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग, तो ज़रूर देखिए ना, अगला व्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।